की बुक है, मतलब रीट के लिए नहीं है स्पेसिफिक। इसमें तीनों सब्जेक्ट साइंस के अपने बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ऐड कर रखे हैं। वैसे ये अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम या सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, ये मैंने अभी परचेज़ नहीं किया, पहले की मतलब पुरानी रखी हुई थी। तो इसमें अच्छे से दे रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर रखी हैं, पर्टिकुलर टॉपिक दे रखा है, उसके बारे में पूरे डिटेल से बता रखा है, पॉइंट टू पॉइंट काफ़ी बातें मतलब बता रखी हैं, अच्छे से दे रखा है। इसमें आपको कम में मतलब ज़्यादा जो मिलता है ना वैसा है। बुक दिखा देती हूँ मैं, दृष्टि सामान्य विज्ञान, सभी ऑल एग्ज़ाम के लिए पुरानी बुक है। मैं तो अभी मैं ये पढ़ने वाली हूँ। इसमें मैंने फिजिक्स शुरू किया है, शुरू नहीं किया मैंने, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पहले मैंने जो अपने टेंथ की बुक में है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो वाला पढ़ा है। उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें से पढ़ लेते हैं, टाइम बचेगा, उसमें टीचिंग मेथड या फिर रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद। सवा 11 हो गए हैं और मैंने ये सिखवाल का एक पेपर, टेस्ट पेपर दिया है। 11 बज गए और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो पहले मैं अभी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद वो कल के व्लॉग में बाकी का सारा देखने को मिलेगा। तो चलिए गुड नाइट गाइस, कल सुबह, बाय, गुड मॉर्निंग। 5:30 हो रहे हैं सुबह के, देखिए थोड़ा उजाला हो गया है, अभी सूरज निकलने वाला है और मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। तो ये देखिए, तो अभी चाय वाय पियेंगे, फ्रेश अप होंगे, उसके बाद 6 बजे तक अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ये यहाँ पे कोयल बोल रही है, सुनाई दे रहा होगा ना। अभी 6:30 हो चुके हैं, मैंने 6 बजे का सोचा था 1 घंटा हो। साढ़े छः से लेकर के अभी 8 बजे तक साइकोलॉजी की मैं 2 यूनिट पढ़ने वाली हूँ। एक तो बुद्धि व्यक्तित्व वो वाली यूनिट में पढ़ने वाली हूँ, तो देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, ये तो नोट्स हैं, पहले नोट्स में से पढ़ लूँगी। तो अभी 8:30 हो चुके हैं, 8:26 हो गए हैं। मैंने ये पर्सनालिटी वाली यूनिट पढ़ी थी, इसमें क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन मैंने किए हैं, ये देखो।
कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक बुक इसके द्वारा लिखी गई। ये वाला काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है जब भी टेस्ट देते हैं या फिर ऐसे है, तो इसका आंसर पोलिंस्की है। उसके बाद ये, हाँ ये सीलबोन वाला एक क्वेश्चन है, इसमें 12 बताए हैं वुडवर्थ ने, जबकि अपन जो पढ़ते हैं वो केटल के पढ़ते हैं कि उसने 12 बताए क्वेश्चन में, यहाँ पे भी वुडवर्थ ने भी 12 ही बताए हैं सीलबोन। और थार्नडाइक का जो है एक क्वेश्चन ये वाला, थार्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो ये याद रखना है कल्पना और विचार शक्ति, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मिलते भी नहीं है नोट्स में, मेरे वाले में तो नहीं है। तो ठीक है, अभी साइको कंप्लीट हो गया, बुद्धि वाला चैप्टर तो अभी बच गया है, पर्सनैलिटी वाला यही कवर कर पाई मैं। अभी ये ब्रेक लेते हैं, बाकी का उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। शेष रहता है नवल में वो, और इसको फिर ये वो नाकों से अकादेश हो जाता है, तो ये अक बन जाता है। अक इका इकम, ये इसके तीन रूप चलते हैं, अक इका इकम। और यहाँ पे कारक की तीन परिभाषाएं, क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रियान्वित कारकम, क्रिया करोति इति कारकम। कारक के भेद छह हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अष्टाध्यायी कारक का जो कर्म बताया है वो थोड़ा अलग है, या नीचे से कर्ता कर्म, नीचे से याद रख सकते हैं कर्ता कर्म, फिर ये दो एक्सचेंज हो जाते हैं, करण ऊपर और अधिकरण नीचे, उसके बाद संप्रदान और अपादान, तो अपादान पहला कारक और कर्ता अंतिम कारक। कारक की विभक्ति 7 होती है जबकि कारक 6 होते हैं। इसके बाद में है, इसके बाद में यहाँ पे कारक शुरू हो जाते हैं। चलिए एक बार कारक का क्विक रिवीजन कर लेते हैं।